दतिया के प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ में प्रसाद वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मंदिर से जुड़े रिटायर्ड पुलिस उप अधीक्षक ने ट्रस्ट और पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को लिखित में शिकायत की है। दरअसल लॉकडाउन के पूर्व 17-18 तारीख में लड्डू का प्रसाद बनाया गया था ट्रस्ट के काउंटर पर बिकने के लिए, लेकिन 20 तारीख को ऐलान होने के बाद 23-24 तारीख को फुल लॉकडाउन हो गया था, जिससे दर्शनार्थियों का आना जाना बंद हो गया था। मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों के पट बंद हो चुके थे। उसी बीच प्रसाद के बने लड्डुओं को वितरित करवा दिया गया था। वितरण प्रभारी भोला प्रसाद सक्सेना द्वारा 17 क्विंटल प्रसाद अनुमानित कीमत ₹3,70,000 का वितरण बताया गया था, जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार 17 क्विंटल प्रसाद वितरित ना होते हुए 2 क्विंटल 80 किलो ही प्रसाद वितरित हुआ। मंदिर से जुड़े रिटायर्ड उप पुलिस अधीक्षक RN पटेरिया ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों को और दतिया पुलिस अधीक्षक चंबल संभाग IG को लिखित शिकायत पत्र दिया कि भंडार प्रभारी भोला प्रसाद सक्सेना द्वारा 21 तारीख को 17 क्विंटल प्रसाद वितरित होना बताया गया है, जो कि गलत है। प्रसाद वितरित 2 क्विंटल 80 किलो वितरित हुआ है। इस मामले में उसकी जाँच की कार्यवाही की जाए। एक आवेदन पर पुलिस के दतिया और एक आवेदन पर IG चंबल संभाग को प्रेषित किया गया था कि पीताम्बरा पीठ दतिया में 17 क्विंटल प्रसाद का गबन हुआ है, क्योंकि एक दिन मेरे द्वारा दीपक गुप्ता के द्वारा तथा एक जोगी के लड़का इनके द्वारा 80 किलो प्रसाद वितरित किया था। बाकी प्रसाद रमेश केवट ने कुछ बांटा है, कुछ मुदगल ने बांटा है तथा 500 पैकेट 29 दिन के समाचार में पड़ा है। शेष प्रसाद वितरण होने की पुष्टि नहीं हो रही। ऐसा प्रतीत होता कि इनके द्वारा 17 क्विंटल का खर्च डालकर राशि का गबन किया। कितनी राशि लगभग? करीब 3,70,000 व्यक्ति राशि 17 क्विंटल के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ महेश दुबे पीताम्बरा व्यवस्थापक पद पर सेवा दे रहे हैं। मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उनका कहना था कि प्रसाद का वितरण 17 क्विंटल हुआ है, 3 क्विंटल नहीं। व्यवस्थापक द्वारा बताया गया लोगों को जानकारी ना होने के कारण शिकायत कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे दी जाएगी। प्रसाद वितरण 15 दिन चला, जिसमें खिचड़ी लड्डू सेव प्रसाद की तमाम चीजें वितरित की गई। मैडम 17 क्विंटल ही बता था और हमारे यहाँ के मजदूरों को, हाईवे के मजदूरों को, मंडी में, अस्पताल में और यहाँ रोड पर यहाँ जो खिचड़ी बटती है वहाँ पर सभी लोगों को बटा है। पुलिस वाले की ड्यूटी को उनको भी बांटा है। हमारे यहाँ जब उस समय चाय भी दिए थे ना, लोगों को खाने को भी दिए थे और सेव वगैरह जो था वो बच्चा वो सबको वितरण किए थे। सबको मालूम है पूरी सभी जगह के हमारे यहाँ वितरण हुआ है और काफ़ी दिन तक होता रहा। मेरे ख्याल से 15 दिन तक करीब वितरण हुआ है। सर किसी के द्वारा शिकायत आई है, उन्होंने यहाँ भी दिया है, आपको भी दिया है? लोगों को जानकारी ना होने शिकायत तो करते रहती है, उनका निदान भी हो जाएगा और जो आवश्यक होगी जहाँ कहीं उसकी जांच भी हो जाएगी, उसको उनको भी अवगत करा दिया जाएगा। पीताम्बरा स्वामी जी महाराज लोक सेवा न्यास के कोषाध्यक्ष दीपक गुप्ता द्वारा मीडिया को बताया गया कि 17 क्विंटल प्रसाद बनाकर स्टॉक करने की ज़रूरत क्या थी। उन्हें नहीं लगता कि इतना प्रसाद बना है, 2-3 क्विंटल ही बना है और उन्होंने भी अपने वितरित केंद्र पर 3 दिन में 20 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 60 किलो प्रसाद बांटा था। बाकी प्रसाद बांटने की कोई जानकारी नहीं है। यह स्वामी जी महाराज के सिद्धांतों के विपरीत कार्य हो रहा है और ऐसी स्थिति में जब शिकायत होती है तो प्रभारी को बदल देना चाहिए। प्रसाद भंडार के जो प्रभारी है उनको बदल देना चाहिए, जिससे जांच निष्पक्ष हो सके। खिचड़ी वितरण केंद्र पीताम्बरा पीठ के द्वार पर है। मेरी समझ में ये नहीं आता कोरोना महामारी के चलते 17 क्विंटल प्रसाद बना करके स्टॉक करने की जरूरत क्या थी। मुझे नहीं लगता कि इतना प्रसाद बना, 2-3 क्विंटल ही बना है और मैंने भी अपने वितरण केंद्र पर 3 दिन में 20 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 60 किलो प्रसाद बांटा है। बाकी मुझे प्रसाद बांटने की कोई जानकारी नहीं है। ये स्वामी जी महाराज के सिद्धांतों के विपरीत कार्य हो रहा है और ऐसी स्थिति में जब शिकायत होती है तो प्रभारी को बदल देना चाहिए। प्रसाद भंडार के जो प्रभारी हों उनको बदल देना चाहिए, जिससे जाँच निष्पक्ष हो सके। और आपका क्या कहना है? बस मेरा यही है कि ये स्वामी जी महाराज के सिद्धांतों के विपरीत कार्य हो रहा है स्थान पर। और भी तमाम बातें हैं जो व्यवस्थापक जी के ऊपर भी आरोप लगते हैं, उनको ये चाहिए कि इसमें ये चेंज करें और चेंज करके फिर इसमें इसकी जांच हो।